वेलकम बैक टू अवर चैनल. वी आर बैक विद द न्यू व्लॉग. आज हम जा रहे हैं लज़ारस आइलैंड. अभी तक हम कुसु आइलैंड जा चुके हैं, सेंट जॉन्स जा चुके हैं, पर लज़ारस नहीं गए हैं. तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं लज़ारस आइलैंड और क्या मस्त मज़े करने वाले हैं. पूरा व्लॉग देखना. और इस व्लॉग में बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है जो आपको अभी जस्ट अभी बस अभी दिखने वाला है. जब भी बाहर आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मौसम बढ़िया होना चाहिए ताकि मज़े कर पाए. और मुझे तो लगता है कि मतलब ये आइलैंड में जाने का ना दस्तूर बन चुका है कि भाई बारिश होना ज़रूरी है. और अभी तो फेरी हमारी 15 मिनट बाद है लेकिन बारिश अभी चालू हो चुकी है. तो अब तो पूरा टाइम मस्त पूरे मज़े करके आने वाले. दिखाते हुए कितनी तेज़ बारिश चालू हो गई है. आई डोंट नो कितना दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा ही होगा, बहुत तेज़ बारिश हो रही है. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Welcome back to the new vlog guys. और आज हम जा रहे हैं लज़ारस आइलैंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. और आज मैं बोल चुकी हूँ, बोल चुकी है तो फिर भी वापस बोलूंगा क्योंकि मैंने नहीं बोला. और ये मम्मी पापा आ गए हैं सिंगापुर में. दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही हम जा रहे हैं लज़ारस आइलैंड जो कि पिछली बार नहीं देखा था. आज मौसम भी आँख में चोली कर रहा है. अभी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी सी धूप निकली है लेकिन पूरे क्लाउड्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वेदर के हिसाब से आई थिंक. ये ऊपर वाला डेक है फेरी का, तो अभी फेरी चल पड़ी है और हम खड़े हैं ऊपर वाले डेक पे. तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ. ये व्यू है और ये सामने एक बोट जा रही है जो अभी अभी चली है. और इधर पूरे बादल हैं, शायद वहाँ जाके भी बारिश ही होने वाली है. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best. Guys, हम लोग लज़ारस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं. वॉक करते करते लज़ारस आइलैंड और सेंट जॉन्स आइलैंड सिस्टर आइलैंड कहलाते हैं क्योंकि ये ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. और जिसने हमारा सेंट जॉन्स आइलैंड का व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है. और आज हम आपको लज़ारस दिखाने वाले हैं. और अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से वॉक करके हम जा रहे हैं और इस तरफ पहाड़ी एरिया पहाड़ों के बीच में आ चुके हम. और मम्मी मौसम के क्या कहने हैं? हल्की हल्की बारिश हो रही है पर अच्छा लग रहा है. अभी तक मैं कुसु और सेंट जॉन्स गई हूँ पर वहाँ पे भी पता नहीं इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई थी जितनी आज ये लज़ारस आइलैंड आके आ रही है. ऐसा लग रहा है कि सिंगापुर से मतलब बाहर ही आ चुके हैं. और मुझे लगता है कि जिन्हें ज़्यादा फ़ोटोज़ एंड ऑल खिंचाने का शौक है तो वो लज़ारस ज़रूर आए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी. गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो अभी हमने एक शेड ढूंढा है और वहाँ बैठ के हमने खाना स्टार्ट कर दिया है. खाने में आया फिर से राजमा राइस, रोटी भी है और कर्ड है. अक्षु ने तो स्टार्ट भी कर दिया. अक्षु में लंच में क्या खाया? पर मौसम सच में काफ़ी अच्छा है, बस बारिश बंद हो जाए तो मज़े ही आ जाएंगे, फिर ड्रोन भी उड़ाएंगे. अब हम लज़ारस आइलैंड का बीच देखने जा रहे हैं. बाय. ये तुम बाय हो, ये हमारा नेताजी सवार है अपने रैली के साथ. अगर किसी ने बड़े वाले बीच नहीं जाना है तो यहाँ पे एक छोटा सा भी बीच ऐसे ही बना हुआ है, बट हम देखते हैं बड़ा वाला बीच. वैभव कह रहे हैं यहाँ पे इसके पीछे वाइट सैंड बीच है तो वो जाकर देखते हैं. तो अभी हम पानी में जाने का सोच रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा सुंदर है. बीच एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल ही माया बे जैसा है. छोटा माया बे लग रहा है.
तो मैं जो बिल्कुल भी समुंदर में नहीं जाता, आज जा रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। मेरी तो ड्रेस भी गीली हो गई। तो आप कर लो यार सब्सक्राइब, उसने ड्रेस गीली कर दिया यार। इतनी बढ़िया वीडियो किसी देखते जा रही है। ये देखो सस्ता मॉल देश। अब बस हम लोग के जाने का टाइम आ गया क्योंकि 6 बजे की फेरी है, 4:45 हो चुके हैं। लेकिन निकलने से पहले एकदम से सनलाइट आई है, मतलब इतनी तेज सूरज की रोशनी लगने लगी। पर जैसे पीछे मुड़ के बीच की तरफ देखा ना, अभी मैं दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ना, इतने प्यारे कलर लग रहे हैं पानी के। तो देखिए ये देखिए कितना एकदम विजिबल डिफरेंस है कलर में, ग्रीन ब्लू। हमने अब तीनों आइलैंड देख लिए, कुसु आइलैंड, सेंट जॉन्स और लजारस। तो सबसे बेस्ट जो आइलैंड है ना वो लजारस ही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बीच है ना भाई, एकदम वाइट सैंड बीच है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मालदीव मायावे सब, मतलब सबका छोटा वर्जन है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा भाई सिंगापुर में ऐसा कोई बीच नहीं है ढंग का, ये सबसे अच्छे बीच है। गाइस अभी कितना सुंदर लग रहा है, ये रास्ता देखो आप, ग्रीन एकदम रोड और साथ में ये बीच में सूरज की रोशनी आ रही है, मजा ही आ गया देख के। कैसा लगा मम्मा पापा लजारस आइलैंड? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नजारा और मस्त मौसम और एकदम समुंदर, नीला हरा समुंदर और साथ कभी आ रही है और कभी जा रही है, वाइट सैंड, एकदम ऐसा लगना पता नहीं नेचर के बीच में आ गए होते हैं। ड्रोन शॉट तो हमने एक उड़ता हुआ जरूर देखा और उसके अंदर हमें पता नहीं लगा कि हमारा क्या शूट हुआ और कैसे शॉट आए हैं, ये देख के पता चलेगा, ब्लॉग देख के पता चलेगा कि हमारे शॉट कैसे आए। आप हमें सब्सक्राइब करो और बताओ कि इनके शॉट कितने अच्छे थे। तो अभी 5:30 हो गए हैं, हम अपनी फेरी का वेट कर रहे हैं फेरी टर्मिनल पे आके। ये यहाँ पे छोटा सा इनका फेरी टर्मिनल है, मतलब पोर्ट बना रखा है बोट के लिए और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है और सामने से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी सनसेट हो रहा है, ये ऐसा व्यू है यहाँ पे और दूर ये जो है ये है सिंगापुर सिटी, तो वहाँ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी बोट्स रहती हैं, ये जैसे भी एक डिपार्ट होने वाली, ये भी सिंगापुर जा रही है लेकिन हमारी टिकट दूसरी की है तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और आप लोग अपनी जेट्स की लेके भी यहाँ आ सकते हैं, मतलब रेंट करके या ख़रीदी हुई किसी के पास है तो वो लेके आते हैं, लोग उस पर भी बहुत मस्ती करते हैं। तो बहुत सही जगह है यार लजारस, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैंने कुसु भी देखा है, सेंट जॉन्स भी देखा है, लेकिन लजारस पे जो वाइट सैंड बीच है ना यार, ओसम है, बिल्कुल मस्त लग रहा है, एकदम ऐसा रिप्लिका है यार माया बे, मालदीव्स में भी हमने देखा था, तो बहुत बढ़िया है यार। मतलब एक दिन आ सकते हो आराम से, पिकनिक कर सकते हो और तो और कैंपिंग भी कर सकते हो, ड्रोन भी उड़ा सकते हो।